दोस्तों आपने भी मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के आवेदन किए होंगे, और जिसमें 1 अगस्त से सेक्टरों में कंपनी में अप्लाई करने का ऑप्शन दिया, तो आप सभी ने लगभग आपके आईटी में जितनी भी कंपनी शो हो रही होंगी अप्लाई करने के लिए, सभी में आपने अप्लाई किया होगा। दोस्तों मैंने भी 60+ कंपनी में आवेदन किया है, पर सभी में पेंडिंग दिखा रहा है। पर ये पेंडिंग कब यहाँ से हटेगा, पेंडिंग कब हटेगा, ज्वाइनिंग कब से होगी, ये सभी जानकारी आपको देने वाला हूँ, ठीक है। ये पेंडिंग यहाँ पर दिखाता रहेगा जब तक आप कंफर्म नहीं करोगे, ठीक है। आपके द्वारा जब तक कंफर्म नहीं किया जाएगा जब तक ये पेंडिंग यहाँ पर दिखाता रहेगा। तो किस प्रकार से कंफर्म करना है, तो चलिए आज इस वीडियो में भी हम जानकारी देने वाले हैं आपको। तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे दीपेश गौर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दीपेश गौर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें, ताकि आप सभी को वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और ऐसे अपडेट पाने के लिए वीडियो को लाइक करके शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि सभी भाई बहनों जिन्होंने भी मुख्यमंत्री युवा इंटर्नशिप योजना का आवेदन किया है, उन सभी को पता चले कि हम किस प्रकार से एक्सेप्ट करेंगे, तभी हमारा पेंडिंग वहां से शो होना बंद हो जाएगा। तो चलिए उसी के संबंध में आज हम जानकारी आपको देने वाले हैं। तो दोस्तों जैसे कि हमने 60+, अब आप ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा, और स्किप जरा सा मत करिएगा, वरना आप बोलोगे कि ये वीडियो फेक था, कोई मतलब नहीं निकला वीडियो देखने का, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने 60+ में आवेदन कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आवेदन की स्थिति में सभी जगह पेंडिंग दिखा रहा है, ठीक है। अब ये हम कंफर्म कैसे करेंगे कि ये पेंडिंग हट जाए, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि जो कंपनियां हैं, ठीक है, जैसे कि हमने इसमें आवेदन किया है, ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश पावर केज विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड में हमने आवेदन किया। तो ये दोस्तों पेंडिंग यहां पर बताता रहेगा, और ये आपको कॉल करेंगे डायरेक्ट, क्योंकि हमारा हमने जैसे अप्लाई किया इनके पास हमारा जो है वो नोटिफिकेशन उनके पास पहुंच चुका है कि इन इन युवाओं ने आपकी कंपनी में अप्लाई किया है, ठीक है। पोस्ट 100 है, आवेदन 1000 लोगों ने अप्लाई कर दिया है, तो उसी कारण से ये पहले सभी जांच करेंगे, ठीक है। सभी के पास एक्सेप्टेड नहीं लिखा आएगा जब तक आप कंफर्म नहीं करें। कंफर्म कैसे करेंगे, ये कंपनी वाले आपको फोन करेंगे कि आपका नंबर लग चुका है, आप इसमें करना चाहते हो या नहीं करना चाहते, तो आप इस तारीख को इतने बजे आ जाइए, ठीक। अगर आप बोलते हैं कि देखेंगे हम आपको बताते हैं बाद में, तो आप नहीं गए जिस तारीख को आपको दिया, तो आपका वो पेंडिंग ही दिखाता रहेगा। अगर आपने बोल दिया ठीक है मैं आ जाऊंगा, और आप वहां पर पहुंच गए, तो ही यहाँ पर एक्सेप्टेड बाय द कैंडिडेट लिखा आपका आएगा, ठीक है। क्योंकि अभी तक उन्होंने क्या किया कि सभी पास मैसेज भेज दिया कि आपका इंटरव्यू इतने बजे इतनी तारीख को, ऑनलाइन इंटरव्यू रहता है, ठीक है, कि आपका इंटरव्यू इतनी तारीख को इतने बजे, आप इंटरव्यू ज्वाइन नहीं कर पाते हो, इंटरव्यू में नहीं जा पाते हो, और यहाँ पर आपका पेंडिंग हट जाता है। जैसे ही आपको मैसेज आएगा यहाँ पर आपको एक्सेप्टेड बाय द कैंडिडेट लिखा आ जाएगा, और फिर आपने वो काम नहीं करते, तो कंपनी वालों को जितने टारगेट था उन्होंने उतने के बाद मैसेज भेज दिया, फिर उसको डबल से मेहनत करनी पड़ रही है, डबल से मैसेज भेजना पड़ रहा है। इसलिए ना उन्होंने क्या तरीका निकाला है कि 63 में से आपके पास फोन आएंगे, 63 कंपनी में से कितनी कंपनी के फोन आ सकते हैं आपके पास, तो वो आपको फोन करेंगे, आपका नंबर लग चुका है, आप काम करना चाहते हो नहीं, अगर आप काम करना चाहते हो तो आपने डॉक्यूमेंट लेकर आप इस पते पर आ जाइए, ठीक है। आप यदि जाते हैं और आपका वेरिफिकेशन होने के बाद ही यहाँ पर एक्सेप्टेड बाय द कैंडिडेट अब लिखा आएगा। उन्होंने नियम और पॉलिसी चेंज कर दी है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि उन्होंने पहले सभी पास मैसेज भेजे थे, पर कई युवा इंटरव्यू देने नहीं पहुंच पाए ऑनलाइन, इसी कारण से उन्होंने अब यह सिस्टम हटा दिया है। अब डायरेक्ट वो आपसे फोन करेंगे, कन्फर्म करें, उसके बाद ही यहाँ से पेंडिंग से हटा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप दोस्तों आपके पास सभी के पास फोन आएंगे, यहाँ पर पेंडिंग लिखा भी आएगा, ठीक है, सभी में पेंडिंग लिखा आएगा, और आपके पास फिर कॉल आएंगे, ठीक है। एक्सेप्टेड बाय द कैंडिडेट लिखा रहा तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपके पास फोन आते हैं तो आप उसी समय उनको कंफर्म कर दीजिए आपको करना है या नहीं, अगर करना है तो हाँ बोल दीजिए, और अगर नहीं करना है तो ना बोल दीजिए, ठीक है, ताकि दूसरे युवाओं का नंबर लग सके, ठीक है। 8 लाख+ युवाओं ने इसमें आवेदन किया है, तो इसमें कुछ और अपडेट हैं, जो जैसे ही अगर हमें कुछ मिलता है अपडेट तो हम आपको जरूर जानकारी देंगे। दोस्तों कैसी लगी अपडेट जरूर बताइएगा कमेंट करके। तो इस वीडियो में इतने, नेक्स्ट वीडियो लेकर आपको जल्द मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।